नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीस राज, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है फ्रेंड। फ्रेंड, आज का जो मेरा टॉपिक है 1250 स्क्वायर फुट में घर का स्लैब को कास्टिंग कराना है, ठीक है। तो कितना मटेरियल लगेगा और कितना खर्च लगेगा 2022 में, ठीक है। और साथ साथ अगर बीम भी है आपका, स्लैब के नीचे बीम जो डलाता है वो बीम है और स्लैब है, तो दोनों का क्या खर्च लगने वाला है, मैंने सारा डिटेल्स बताए हैं। और ऐसे ही हमारे चैनल पर इंफॉर्मेटिव और कंस्ट्रक्शन कोस्ट से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट। 1250 स्क्वायर फुट घर का छत ढलवाने में आपको कितना मटेरियल लगेगा और खर्चा उसका मटेरियल का क्या लगेगा, ठीक है, 2022 में। तो दोस्तों, इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, तो पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। जो स्लैब का एरिया हमारे पास 1250 स्क्वायर फुट आपका एरिया है स्लैब का, ठीक है। स्लैब का जो थिकनेस है, जिसको मोटाई हम बोलते हैं, वो 5 इंच का हम इसमें रखने वाले हैं। और कंक्रीट का जो वॉल्यूम है, सूखा वॉल्यूम, जिसको हम ड्राई वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है, सूखा वॉल्यूम, तो स्लैब और बीम दोनों का मिला के, स्लैब के नीचे जो बीम डलाता है उसका और स्लैब का छत का, तो सबसे पहले स्लैब का अगर बात कर ले, स्लैब के लिए सूखा कंक्रीट वॉल्यूम आपका 22.7 मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। वहीं बीम का अगर बात कर ले तो बीम का आपका कंक्रीट वॉल्यूम 5.7 मीटर क्यूब हो गया, तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 28.4 मीटर क्यूब हो गया ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। और रेडीमिक्स कंक्रीट अगर मंगाएंगे तो आपका 5000 के आसपास पड़ेगा 1 मीटर क्यूब का, ठीक है, प्लांट से अगर मंगाते हैं तो 28.4 मीटर क्यूब आपका सूखा कंक्रीट वॉल्यूम है। लेकिन जब भी आप कंक्रीट मंगाएंगे तो वह गीला में होगा, तो 28 से कम हो जाएगा। तो यह टोटल कितना हो जाएगा, अगर आप प्लांट से मंगाते हैं रेडीमिक्स कंक्रीट अगर मंगाते हैं तो यह 1.54, तो 18.44 मीटर क्यूब आपका कंक्रीट वॉल्यूम मंगाना पड़ेगा। तो आप लोग गीला कंक्रीट वॉल्यूम अगर आप रेडीमेड बनल बनाएल अगर कंक्रीट मंगाते हैं प्लांट से, तो आपका बीम और कॉलम को मिला के 18.44 मीटर क्यूब मंगाना पड़ेगा। केवल अगर बीम नहीं डलवाते हो, केवल आप छत ढलवाते हो, तो उसका आपको कंक्रीट वॉल्यूम हो जाएगा, रेडीमेड मंगवाना चाहते हो रेडीमिक्स कंक्रीट, तो देख सकते हो यह स्लैब प्लस बीम के लिए है, दोनों के लिए। और आपका 14.7 मीटर क्यूब आपका केवल स्लैब के लिए, जिसको छत बोलते हैं, और यह गीला कंक्रीट वॉल्यूम है जिसमें पानी मिला रहता है, ठीक है। तो आप रेडीमिक्स कंक्रीट मंगा सकते हो, 5 से 5.5 हज़ार 1 मीटर क्यूब का लग जाएगा आपको। तो आगे हम नेक्स्ट पॉइंट का अगर बात कर ले तो स्टील है, और स्टील इसमें स्लैब के लिए हम 8 mm 10 mm मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज किए हैं, ठीक है, 8 और 10 mm का सरिया यूज किए हैं। वहीं बीम का अगर बात कर ले तो बीम का 10 mm 12 mm आपका सरिया को यूज किया गया बीम में। तो इसमें जो रेशियो यूज किया गया है कंक्रीट का, कंक्रीट मतलब सीमेंट बालू और गिट्टी और पानी का जो रेशियो होता है उसी को कंक्रीट बोलते हैं। तो इसमें जो रेशियो यूज किया गया है M20 ग्रेड का यूज किया गया है, जो स्टैंडर्ड और एक शेप होता है, ठीक है, गुड इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यह 1:1.5:3 का रेशियो में आपको डाला गया है। तो एक बैग आपका सीमेंट यूज होगा, तो 1.5 बैग आपका बालू जिसको सैंड बोलते हैं, और 3 बैग एग्रीगेट यूज होगा, ठीक है। इसी रेशियो से आपको कंक्रीट को मिक्स करवाना है अगर खुद कंक्रीट बनवा रहे हैं साइट पे। तो और बहुत सारे आपको बोलेंगे कि ये रेशियो अच्छा नहीं है और दूसरा बताएंगे, लेकिन यही रेशियो से आपको करवाना है, ये सेफ है और अच्छा है। तो दोस्तों आगे हम बात कर ले तो इसमें हम सबसे पहले बताएंगे आपको मटेरियल। मटेरियल में आपका सीमेंट बालू गिट्टी और स्टील, और उसके बाद सेटरिंग लेबर का कॉस्ट हो गया। तो सीमेंट में सबसे पहला पॉइंट का अगर बात कर ले तो स्लैब, स्लैब के लिए और बीम के लिए हम दोनों के लिए अलग अलग कर दिए हैं। हमने इसलिए अलग अलग किया है, कितना भाई होते हैं जो केवल स्लैब ही करवाना चाहते हैं, स्लैब के नीचे बीम नहीं डलवाना चाहते हैं, तो वो अपने अनुसार इसको देख के और जो मैं बताएंगे मटेरियल्स का क्वांटिटी और उसके मार्केट में जो रेट रहेगा एरिया में, उसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं इजी वे में, ठीक है। मैं इसीलिए दोनों का अलग अलग कर दिया हूँ। और दोस्तों सबसे पहला अगर बात कर ले स्लैब के लिए, तो 1250 स्क्वायर फुट में आपका छत ढलवाने के लिए स्लैब के लिए आपका 119 बैग आपका सीमेंट पड़ जाएगा, और बीम के लिए आपका 30 बैग सीमेंट पड़ जाएगा। जब स्लैब और बीम दोनों को ऐड कर देंगे तो 149 बैग्स टोटल आपका सीमेंट लग जाएगा। मार्केट में जो रेट का अगर बात कर ले तो लगभग ये
ऑल ओवर इंडिया में 400 रुपया पर बैग आपका पड़ता है। तो 139 बैग गुने हम 400 रुपया ले कर चले, 10 रुपया 5 रुपया या ऊपर नीचे हो सकता है अलग अलग लोकेशन के अनुसार। तो दोस्तों हमने 400 रुपया ले कर चला है 2022 में, क्योंकि रेट मटेरियल के ऊपर बढ़ने वाला 10%। तो यह आप देख सकते हैं आपका यह 49,600 रुपया सीमेंट के ऊपर लग गया, ठीक है, इकाई दहाई 11,000 10,000। तो इसमें आपका स्लैब और बीम दोनों का हो गया। अगर जिसको केवल स्लैब का करवाना हो तो 149 से 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल जाएगा केवल स्लैब के लिए। और आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। ऐसे मेरे एरिया में आपका 400 के आसपास पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। वहीं बालू का अगर बात कर लें तो छत के लिए या आपका स्लैब के लिए 219 CFT बालू लग जाएगा, और जो रिवर सैंड है, ठीक है, हम नदी की बालू का बात कर रहे हैं, और 55 CFT आपका लग जाएगा बीम के ऊपर। तो जब दोनों को जोड़ दिया जाए तो 274 CFT टोटल हो जाएंगे। और बालू का अगर CFT का पर CFT का रेट का अगर बात कर ले 2022 में, तो यह आपका मेरे एरिया में तो फिलहाल आपका चल रहा है 75 से 80 रुपया पर CFT, और यह कहीं कहीं 10 से 15 रुपया वैरी कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ये बता दिया तो यही रेट रहेगा, आपके एरिया में थोड़ा बहुत लोकेशन और मार्केट एबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोस्तों 274 CFT गुने 75 रुपया अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आप लोग देख सकते हैं 274 गुने 75, तो यह आपका हो जाएगा 20,550 रुपया बालू के ऊपर खर्च हो जाएंगे आपको, ठीक है। वहीं एग्रीगेट का अगर बात कर ले तो एग्रीगेट मतलब गिट्टी हो गया, मेटल हो गया, ग्रेवल हो गया, बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं, खड़ी हो गया, तो छत के लिए 437 CFT लग जाएगा स्लैब के लिए, और बीम के लिए 110 CFT। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो 547 CFT आपका लग जाएगा। वहीं इसका भी अगर रेट का बात कर ले तो हमारे एरिया में 70 से 77 रुपया लगभग चल रहा है पर CFT। आपके एरिया में जो भी रहे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, और यह रेट आपका थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। तो मैं एक मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ रेट, ठीक है। तो 547 गुने 75 रुपया हम एग्रीगेट का भी लेके चले तो देख सकते हैं 41,000 25 रुपया पड़ जाएगा गिट्टी के ऊपर, और यह 547 गुने 75। वहीं स्टील का अगर बात कर ले, स्टील मतलब सरिया, ठीक है, रॉड, गांव घर के भाषा में रॉड बोलते हैं, सरिया बोलते हैं, तो यह आपका स्लैब के लिए 1782 kg लग जाएगा, और बीम के लिए 448 kg लग जाएगा। तो 1782 kg का मतलब हो गया अप्रॉक्स 1.7 टन हो गया, ठीक है, और यह आपका हो गया 4 गुना, ठीक है, तो टोटल हो गया 2230 kg हो गया जब स्लैब और बीम को दोनों को जोड़ देंगे। तो स्टील का रेट आपका 65 रुपया से लेके 66 रुपया पर केजी लगेगा। तो यह 2230 kg गुने 65 रुपया अगर कर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं 2230 गुने 65, तो सरिया के ऊपर सबसे ज़्यादा आपका लगने वाला 1,44,950 रुपया लग जाएगा सरिया के ऊपर। वहीं अगर सेटरिंग लेबर का बात कर ले तो 1,250 स्क्वायर फुट में आपका यह लगने दोस्तों 45 से 55 रुपया पर स्क्वायर फुट लगता है सेटरिंग का कॉस्ट। तो मैं ऑल ओवर इंडिया का एक एवरेज रेट का बात कर रहा हूँ, और यह रेट आपको वैरी कर जाएगा साउथ इंडिया में, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, इधर साउथ इंडिया में जैसे ही जाएंगे तो यह 90 रुपया से 80 रुपया से 120 रुपया पड़ जाएगा, 80 से 120 रुपया के आसपास पड़ जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोकेशन पर 35 से 40 रुपया में भी हो जाता है गाँव वाले एरिया में। तो मैं ऑल ओवर इंडिया का हर एक स्टेट का एक एवरेज ले कर चल रहा हूँ 45 से 55 रुपया। तो 1,250 स्क्वायर फुट गुने अगर हम 45 रुपया ले कर चलें तो आप लोग देख सकते हैं 45 गुना कर देंगे
तो ये 56,250 रुपये आपका लेबर के ऊपर और सेटरिंग के ऊपर पड़ने वाला है दोस्तों। इसमें आपको स्टील को बांध के देगा, सेटरिंग करके देगा, और जब कंक्रीट जिस दिन ढलाई होगा वो ढलाई करके देगा। इसीलिए मैंने सेटरिंग प्लस लेबर दोनों का कॉस्ट लिखा हुआ है। तो वहीं अगर टोटल कॉस्ट का अगर बात कर ले तो आपके सामने में मैं जोड़ के बता देता हूँ। 59,600 आपका सीमेंट के ऊपर और 20,550 रुपया आपका बालू के ऊपर, 41,025 रुपया आपका गिट्टी के ऊपर, 144,950 रुपया आपका स्टील के ऊपर, 56,250 रुपया आपका पड़ गया सेटरिंग और लेबर का कॉस्ट। ठीक है, तो देख सकते हैं यह टोटल आपका स्लैब और बीम दोनों मिला के आपका कॉस्ट हो जाएगा 322,375 रुपया आपका पड़ने वाला है टोटल कॉस्ट। अगर बीम नहीं करवाएंगे तो ये रेट आपका कम हो जाएगा, बीम का खर्चा घट जाएगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।